करो बिस्मिल्लाह करो जोड़ी जोड़ी का सारा आठ नाम है। देखो दोनों जुड़ गए हैं दोनों जीत जीत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम लोगों का सीन बन जाएगा, हो सकता है शायद उनका जानवर ना मिले तो हम लोग चले जाएंगे मीरपुर खास। तो मीरपुर खास हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और ये मीरपुर खास की ये बकरा पीढ़ी है ना भाई उमेर भाई, जैसे कि मैं सही बता रहा हूँ ना, ये मीरपुर खास की बहुत ही बड़ी बकरा पीढ़ी है। काफ़ी यहाँ से लोग आते हैं, ज़्यादातर कराची से लोग आते हैं ज़्यादातर। काफ़ी परचेजिंग होती है, अभी जाते हैं देखते हैं क्या सिचुएशन है। फर्स्ट टाइम आए मंडी देखने के लिए, तो जैसे जो भी होगा आपको रेट्स का भी आइडिया बताएंगे कैसी है मंडी, रिकमेंड भी करेंगे आपको, चलते हैं फिर आपको बताते हैं। बाकी ये माशाल्लाह से ये है कि वो सिंधी तैयार होते हुए बोला कि पेंट शर्ट पहन के जाऊँगा तो ज़्यादा पैसे बताएँगे। तो ये बस ये देख सकते हैं ये तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो बस इंशाल्लाह फिर निकलते हैं मंडी की तरफ। तो फाइनली गाइस मंडी के अंदर हो गए हैं, आप मंडी के हालात भी देख सकते हैं माशाल्लाह से, जानवर कसीर तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ियाँ लोड हो गए। बाकी मेन जो है यहाँ पर बकरे की है मंडी है, 12 महीने यहाँ बकरे का पानी नहीं लगती है। बाकी भाई गर्मी बहुत ही ख़तरनाक है, बस ये है कि हमें तो हालत बुरी हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक गर्मी है। तकरीबन अभी 40 का टेम्परेचर है, अभी सुबह के 8 बजे रहे, मतलब कि जानवर देखना स्टार्ट हो गए हैं भाई। आपने जानवर पूछा था कितने का मिला आपको प्राइस? 3,60,000 रुपये बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। अभी खैर धूप हुई नहीं है तो अभी देखो क्या होता है। माशाल्लाह से जानवर ये भी लगेगा जानवर है। ये बिछड़ा खुलवा रहा है शायद माशाल्लाह से। हाँ सर, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? कल हाथ लगा भले जी। हाँ गरीब है, मिस्कीन है बिल्कुल भाई, किधर भी तेरा बच्चे को भी रस्सी देगा ना, कोई परवाह नहीं है। डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे हैं इसकी 340। 340 वैसे मेरे हिसाब से जानवर तो माशाल्लाह यहाँ खूबसूरत है, लेकिन ढूंढने पड़ रहे हैं ज़्यादा यार, कुत्तों का माल है बहुत कम है। 20% समझ ले आप यहाँ पर आपको मिलेगा जानवर, बाकी सारा कट्टू का माल है, वो कसाई माल है। जैसे अपने मलिर मंडी के अंदर वो बाड़ों में खड़ा होता है ना कट्टू, शक्ल ना सूरत कुछ भी नहीं, हड्डियाँ हड्डियाँ इस तरीके से। ये ज़्यादातर ये यहाँ पर है बहुत, ताकि दो तीन जानवर पसंद आया उसकी तरफ ही जा रहे हैं दोबारा वहाँ पर। माशाल्लाह से जानवर तो बहुत खूबसूरत आए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप माशाल्लाह। अब वो पसंद आने की भी बात है ना कि कौन सा पसंद आ रहा हो, देखो मस्ती कर रहा जानवर, ऐसा जानवर चाहिए मस्ती हो रहा। खूबसूरती देखने तो ये देखो फुल ब्राउन कलर का बच्चा ये माशाल्लाह। लड़के चलाओ उसको, ये माशाल्लाह से जानवर देखा इसकी ये मांग रहा है। जोड़ी चेक करो आप, दोनों का
ला करो जोड़ी, जोड़ी का सारा दाम है। देखो दोनों जुड़े हैं दोनों, चीज है चीज माशाल्लाह। तभी जानवर का सौदा हुआ है, 4,80,000 रुपये मांगे थे जानवर के, तो तकरीबन 3,00,000 के अंदर बंदे ने सौदा कर लिया। इसके अंदर बंदे ने 3,00,000 रुपये में ले लिया ये जानवर। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जानवर है, आपने देखा जिस तरीके से, और इस तरीके से हम भी देख रहे हैं कुलशान भाई के लिए भी किसी व्यापारी की आँख में मट्टी डाल के अच्छा सा जानवर लेके चले जाए। ये जानवर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, लेकिन पैसों में नहीं आ रहे। ये कब से मस्तियाँ कर रहा है, इसमें कोई भोसू कोई बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक जानवर पर दिलाया था, वो जानवर है ये वाला, ये ब्राउन एंड वाइट, बस लेकिन पैसों में नहीं आ रहा। 2,40 इसके फाइनल लगा दिए हमने, बस लेकिन वो नहीं आ रहा इतने में। बाकी और चाचा 3,00,000 बिल्कुल फाइनल फाइनल बोल रहे हैं। बाकी उमेर भाई जी, मेरे भाई भाई बहुत बहुत कोई आज तो मंडी हाई है, और दूसरा ये कि आप इतना बेजार हो जाएंगे, गर्मी एक तो अभी तकरीबन यहाँ पे कोई मैं कहता हूँ 38 या 40 का टेम्परेचर है, बस अल्लाह मालिक है। एक दो तो है उनको देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं, हुआ है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर अभी निकलते हैं हम बस पे। जैसे ही उमेर भाई ने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बाकी दूसरे सौदे जानवर का सौदा मारने में लगे हुए कि इसका भी बन जाए, अगर इसका हो जाता है तो बस आसान हो जाएगी और बट निकल जाएंगे फिर यहाँ से। सो गाइज, अभी आप लोग जो हमारे कपड़े चेंज देख रहे होंगे, तो सीन ये था कि अब हम लोग मंडी से निकल गए थे बहुत थक हार के, वहाँ जानवर मिला नहीं, तो अभी हमारे ये जान पहचान के मीरपुर खास में आगे जा रहे हैं फाइज भाई, तो अभी ये हमारे को जानवर दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई जानवर हमें समझ में आ जाता है तो शायन भाई के लिए यहाँ जानवर देखेंगे। बाकी ये शान भाई से भी पूछ लेते हैं। जी शान भाई, देखते हैं जानवर, इंशाल्लाह देखेंगे क्या मिलते हैं। बाकी देखते भी माशाल्लाह जानवर उन्होंने दिखाए, माशाल्लाह जानवर तो अच्छे हैं, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है जानवर के अंदर जो हम ढूंढ रहे हैं। बाकी जानवर तो माशाल्लाह अच्छे हैं, बस वापस जा रहे हैं, अब कराची के लिए निकलेंगे, तो देखते हैं। एक और जगह बता रहे हैं कि कोई उस साइड पर है, जब वो गाड़ी लेने गए, वो गाड़ी लेके आते हैं तो फिर उस साइड के ऊपर है मंडी। मंडी क्या भाई, ऐसी वो बाड़े लगाए हैं उन लोगों ने, वो साइड है, वो देखते हैं वहाँ पे कैसा जानवर है, क्या सीन है, वो भी दिखाते हैं फिर आपको। सो गाइस, जानवर तो यहाँ मिला नहीं है, बस निकल रहे हैं वापसी कराची के लिए। गाड़ी अपनी रेडी है, माशाल्लाह से फाइज भाई के साथ हम निकल रहे हैं कराची के लिए, तो बाकी उमेर को उठाना है रास्ते में, उमेर अपनी सिस्टर के घर पे है, वहाँ से उसको उठाना है और निकलेंगे अब कराची के लिए, मिलते रास्ते में। वही वापसी जाते जाते अब हमने बोला मीरपुर आए तो आम लेते ही जाएँ, तो अब आम की मंडी आए, मशहूर आम की मंडी है यहाँ की, होल सेल रेट पर यहाँ पर आम मिलते हैं, ये यहाँ के रहायशी है। हाँ भाई, हाँ यहाँ की सिंदड़ी आम है, काफ़ी फेमस आम है। खैर अभी तो नए नए सीजन है, खैर अभी भी टाइम लगेगा तो, लेकिन ये क्या है तो हमने कहा लेते हुए जाएँ। बाकी देखते हैं आम, देखते हैं कोई अगर अच्छा अगर सौदा बन गया तो वो भी उठा लेंगे, क्योंकि सौदे अपने नसीब में ऐसा लगता मुझे भी तो है नहीं। बाकी चल रहे हैं इस कंडीशन में, ग्रीन 3 दिन अपने पास रखो, फिर पका के खुद खाओ। आम का सिंदड़ी जान भाई क्या बोल लो, ले लो, इसको लेके इंतज़ार नहीं होगा, इसलिए पीला वाला चाहिए, पीला वाला चाहिए। क्या रेट लगाएगा चाहिए तो बता। फाल से भी इस तरीके से बिकते हैं यहाँ पे, देख लो पूरे टोकरे टोकरे का हिसाब होता है। फाइनली गाइस, अभी ले लिया हम लोगों ने माशाल्लाह से ये आम, और ये आड़ू भी ले लिए, बाकी ये फाइज भाई ने दिलवाया हमारे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये माशाल्लाह हर साल हमारे पास जानवर लेने आते हैं, जानवर तो लेके नहीं जाते हैं माशाल्लाह, सिंदड़ी आम ले जाते हैं और जो है ना आड़ू ले जाते हैं और गायों की तस्वीरें ले जाते हैं साथ में। भाई ये इसीलिए आते हैं हम लोग, गाय वाय तो अब एक बहाना होता है गाय का, बाकी ये देखो माशाल्लाह से आम के सन बच्चे, आम के सन, ये भी एक बन गया, एक टूर बन गया हमारा कि चलो एक सब्जी मंडी भी घूम ली और अच्छी पैसों में ले लिए यहाँ से फूल। बाकी हमारा ये सेठ साहब फुल तंग मस्ती में बैठे हैं, ये
दो खराब हो गई है तकरीबन 24 घंटे से जागे हुए और नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं, तो अब हो गई है बिल्कुल। तो तुम क्या वो यात्रा पे निकले हुए जो नॉन स्टॉप तुम चली रहे हो? चली रहे मलीर में घूमे कल, आज हम कौन सी मंडी, ये मीरपुर खास की मंडी में घूमे, तो अब हो गई है और यहाँ पर कर ली बहुत खतरनाक थी, तो अब एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये सोए भी नहीं है रात भर? सोए भी नहीं है। बाकी भाई ये जा रहा है, कारपेट लगा रहा है अभी आम के अंदर, कारपेट तीसरा ये लगा दे कारपेट, फिर अपनी गाड़ी वो खड़ी है माशाल्लाह से उसके अंदर लोड करें, फिर निकलते हैं यहाँ से। ये कराची का सफ़र अपना हो गया, दोबारा से स्टार्ट कराची जा रहे हैं वापस, वो अपनी आल्टो खड़ी है, हवा भरवा रहे हैं फैज भाई। ये शायान ये लेके आया है आड़ू, शायद से आड़ू से आड़ू चेक कराओ, आड़ू मीठा मीठा आड़ू लाया, अभी आड़ू वॉश करने अपने, ये यहाँ से भी जाएंगे बाकी आड़ू मणते हुए जाएंगे, फिर ऐसे बाकी आड़ू और आम वगैरह लिया हमने वहाँ पर गाड़ी में।